दोस्तों, आप मुंबई इंडियंस को आईपीएल की बेहतरीन टीम मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम मुंबई इंडियंस ने बेहतर रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग को फाइनल मुकाबले में एक रन से हराकर रिकॉर्ड चौथी बार आईपीएल बनने का गौरव हासिल कर लिया है। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को इस खिताबी मुकाबले में 8 विकेट पर 149 रन बनाए, जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग की तरफ से शेन वॉटसन ने 80 रन की उम्दा पारी खेलकर टीम को जीत के काफी करीब ला दिया। लेकिन इसके बावजूद 7 विकेट कर चेन्नई सुपर किंग 148 रन ही बना सकी। 150 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग के लिए शेन वॉटसन ने 59 गेंदों में 8 चौके और 4 छक्के जड़े, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके। मैन ऑफ द मैच रहे मुंबई इंडियंस के पेसर जसप्रीत बुमराह ने 14 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। उन्होंने चारों में 13 गेंदे डॉट डाली। उनके अलावा कृणाल पांड्या, पेसर लसित मलिंगा और राहुल चहर को एक एक विकेट मिला। मुंबई इंडियंस ने 2017 के बाद ये किताब अपने नाम कर लिया है। वह इससे पहले 2013 और 2015 में भी चैंपियन बनी थी। इस मैच में वॉटसन एक छोर पर जमे रहे और उन्होंने 44 गेंदों पर चौके के साथ अपने आईपीएल करियर का 1900 अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वह भाग्यशाली रहे और 3 बार उनका कैच मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों के हाथों से छूटा। वॉटसन ने पिछले सीजन में फाइनल मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ 117 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली थी। शेन वॉटसन अंतिम ओवर की चौथी गेंद पर रन आउट हुए और वहीं से मैच पलट गया। शार्दुल ठाकुर को अंतिम गेंद पर आउट कर रसिद मलिंगा ने मुंबई इंडियंस को जीत दिला दी।